सदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्ब किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था साथियों आप लोग जो ये भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं ये अच्छी बात है पर आप ये भी जानते हैं कि इन नारों का मतलब क्या है कौन है भारत माता किसकी जीत चाहते हैं आप सब बताइए मैं भी जानना चाहता हूं अच्छा तुम बताओ कौन है भारत माता बोलो बोलो अच्छा तुम बताओ कौन है भारत माता आप लोगों को कम से कम इतना तो जानना ही चाहिए किसकी जय क्या है भारत माता कभी देखा है आपने पंडित जी भारत माता मतलब ये धरती हमारी माता है सिर्फ ये धरती या इस गांव की धरती या इस सूबे इस इलाके की धरती
या सारा हिंदुस्तान? सारे हिंदुस्तान की धरती। सिर्फ धरती और कुछ नहीं? हिंदुस्तान की ये इतनी नदियाँ पहाड़ ये सब नहीं? सभी हैं पंडित जी, ये नदियाँ, ये पहाड़, जंगल और हमारे ये खेत जो हमें अनाज देते हैं। इसके अलावा? इसके अलावा क्या? इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो इन सबसे अहम है। वो क्या, आप बताइए पंडित जी। भारत माता तो ये सब है ही, नदियाँ, पहाड़, खेत, पेड़, घने जंगल, समंदर, आसमान, पर मेरे या तुम्हारे बिना ये सब बेमतलब है। सबसे अहम है भारत की सरजमीन पर फैली आवाम, भारत के लोग। दरअसल अपने करोड़ों बेटे बेटियों से ही भारत मां की पहचान है, इसलिए उसकी जीत होगी आप सभी की जीत से। यानी कि देखा जाए तो आप सभी अपने आप में भारत माता हैं। भारत माता की जय! 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 1930 के आसपास जब भी जेल से बाहर रहा, खासतौर से सन 36-37 के चुनावी दौरों के वक्त, मैं भारत के तमाम सूबों के गांव और शहर घुमा। ये यात्रा खुद मेरे लिए एक खोज थी। ऐसा लगता था हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की धरती अपने पूरे फैलाव के साथ मेरे सामने है। हिंदुस्तान के बदलते रंग रूप मुझ पर छाने से लगे। इसका विस्तार या अलग अलग रंग तो पकड़ में आ जाते, पर इन सबसे अछूती इसकी आत्मा को समझना मुश्किल था। हालांकि अपने अतराफ उसे महसूस जरूर कर रहा था। जितना ही भारत को देखा, उतना ही ये एहसास बढ़ा कि मेरे या किसी के लिए भी उस कल्पना को बूझना जो ये भूमि अपने में छिपाए है, बहुत कठिन है। कभी तो भारत मुझे एक ऐसे शिलालेख से लगता जिस पर मुख्तलिफ ख्वाब और ख्याल की तहें एक पर एक जमी हुई हों। फिर भी किसी बाद की लिखी तह ने पहले से लिखी भारत को न तो मुकम्मल तौर से मिटाया, न ही छिपाया। चाहे इनका गुमान भी न हो, फिर भी दिमाग के चेतन अचेतन हिस्सों में मौजूद सब रहता है, और इन्हीं सब ने मिलकर भारत के पेचीदा और भेद भरे वजूद को शक्ल दी है। हिंदुस्तान एक नक्शे और जुग्राफिये को छोड़कर क्या है? माजी में क्या पहचान थी इसकी? उस समय क्या था जिसने इसे इतनी शक्ति दी? क्यों ये शक्ति खोसी गई? क्या अब भी कुछ बाकी है, आज भी वो रह गया है जिसे हम जानदार और अहम कह सकें, सिवाय इसके कि बड़ी तादाद में यहां लोग बसे हैं? तारीख में उन पुरानी और स्थिर तहजीबों के जवाल या अचानक खात्मे की कई मिसालें हैं जिनकी जगह फिर नई और जानदार तहजीबों ने ली। क्या वो एक मार्मिक शक्ति है, एक अंदरूनी कुव्वत जो किसी तहजीब या कौम को जिंदा रखती है, जिसके बिना हर कोशिश बेकार सी लगती है, जैसे एक बूढ़ा जवान होने का स्वांग भर रहा हो? सिंधु घाटी सभ्यता भी अपने आप में एक भारतीय सभ्यता थी जो मौजूदा हिंदुस्तानी तहजीब का आधार बनी। कितनी हैरत की बात है कि कोई भी तहजीब इस तरह 5-6 हजार साल तक कायम रहे, वो भी किसी गतिहीन अर्थ में नहीं, क्योंकि भारत में विकास और बदलाव शुरू से आते रहे। ईरान, मिस्र, यूनान, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से भारत का संपर्क रहा। भारत की सभ्यता का बहाव इनसे प्रभावित हुआ, उसने इन्हें प्रभावित भी किया।
मगर उसकी अपनी तहजीब की अलग ही पहचान रही। क्या है इस पहचान का राज? कहां से आई हम में इतनी सकत? ना सदा तिन्नो सदा तिदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत् गहनं गभीरं न मृत्युरादिदमृतं न तर्हि न रात्र्या अनाति प्रकेता सृष्टि से पहले सत् नहीं था असत् भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था मृत्यु थी अमरता भी नहीं नहीं था दिन रात भी नहीं हवा भी नहीं सांस थी स्वयमेव फिर भी नहीं था कोई कुछ भी परम तत्व से अलग या परे भी पहला जो उगा काम बन कर वह जगा कवियों ज्ञानियों ने जाना असत और सत का निकट संबंध पहचाना पहले संबंध के किरण दाग तिरछे परम तत्व उस पल ऊपर या नीचे वह था बटा हुआ पुरुष और स्त्री बना हुआ ऊपर दाता वही मोक्ता नीचे वसुधा सदा हो गया सृष्टि ये बनी कैसे किससे आई है कहां से कोई क्या जानता है बता सकता है देवताओं को नहीं ज्ञात वे आए सृजन के बाद सृष्टि को रचा है जिसने उसको जाना किसने सृष्टि का काम है करता करता है वह अकर्ता ऊंचे आकाश में रहता सदा अध्यक्ष बना रहता वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता मैं हिमालय में बहुत घूमा जो हमारे पुराण और दंत कथाओं से जुड़ा हुआ है जिसने हमारे साहित्य हमारे विचार पर इतना गहरा असर डाला है विशाल पर्वतों से मैदानों में बहने वाली नदियों ने भी मुझे लुभाया और हमारी तारीख के अनगिनत युगों की याद ताजा कराई सिंधु जिससे हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा और जिसे पार कर हजारों बरसों से
जातियां, फिरके, काफिले और फौजें यहां आती रहीं। ब्रह्मपुत्र जो तारीख की मूल धारा से कटा हुआ रहकर भी किस्से कहानियों में हमेशा जिंदा रहा है, ये उत्तर पूरब के पहाड़ों में गहरी दरारें बनाता हुआ, दंदनाता हुआ भारत में दाखिल होता है और फिर शांति से पहाड़ियों, जंगल भरे मैदानों में बहता है। यमुना, जिसके साथ रास, नृत्य और खेल की लीलाएं जुड़ी हुई हैं, और गंगा, भारत की अपनी नदी, जिसने अपनी खूबसूरत धारा में हिंदुस्तान का दिल मोह लिया है, जो आदिकाल से न जाने कितने करोड़ों लोगों को अपने तट की ओर खींचती रही है। दरअसल गंगा की कहानी स्रोत से सागर संगम तक हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। आदिकाल से वर्तमान तक उन साम्राज्यों के उत्थान और पतन की, विशाल शहर बसने और उजड़ने की, इंसान के साहसिक कारनामों और उस दिमागी खोज की जिसने भारत के विद्वानों को उकसाया। ऐश और इशरत, त्याग और संन्यास, उतार और चढ़ाव, विकास और विनाश की, जिंदगी और मौत की कहानी। इन तमाम यात्राओं ने पढ़ी हुई तारीख को उजागर करके बीते हुए कल को समझने में मेरी मदद की। अब तक जो महज दिमागी जानकारी थी, उसमें एहसास का पहलू पनपा और जहन में बन रही हिंदुस्तान की तस्वीर में असलियत के रंग घुलने लगे। Mera kaar, mera jaan.
निराकार विश्व का तू पालनहार विश्व का तू पालनहार बजता तो अपने पुरखों की धरती पर जीते जागते इंसान दिखने लगे जो रोते हंसते प्यार करते तकलीफ झेलते थे और उनमें ऐसे भी थे जो ज्ञानी और समझदार थे जिनके दिमागों ने वो ढांचा तैयार किया जिसने भारत की तहजीब को ठोस आधार दिया जो हजारों बरस कायम रहा। बनारस के नज़दीक सारनाथ में गौतम बुद्ध को अपना पहला उपदेश देते हुए मानो अपने सामने देख रहा हूँ और उनके शब्द जैसे 2500 साल की दूरी से गूंजकर
मुझ तक पहुंच रहे हैं। देखो, जन्म दुख है, मरण दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है। दुख देती अप्रिय की संगत, दुख मनुष्य का आर्य सत्य है। दुख की जड़ है इच्छा, तृष्णा, सुख की चाहत तृष्णा, तृष्णा, स्वर्ग कामना तृष्णा, तृष्णा। मर कर भी बाकी है तृष्णा, तृष्णा ही पापों की माता, तृष्णा मानव आर्य सत्य है। काम तृप्ति भी मोक्ष नहीं है, देह सुखाना मोक्ष नहीं है। तृष्णा छोड़ो, तृष्णा तोड़ो, मोक्ष प्राप्ति की राह यही है, यही सत्य, निर्वाण यही है। अशोक स्तंभ पर खुदे शिलालेख, जो अपनी शानदार जबान में मुझे एक ऐसे इंसान का हाल बताते हैं जो सम्राट होते हुए भी किसी भी दूसरे शासक या राजा से महान था। यह आदेश हमेशा तिष्या नक्षत्र में पढ़ना और सुनना चाहिए। साल में 3 बार कोई चाहे तो दूसरे मौकों पर भी इसे सुन सकता है। यह आदेश है देवन प्रिय राजा प्रियदर्शी का। नगरवासी कई अवसरों पर, जैसे हारी बीमारी, बच्चों का जन्म या विवाह यात्रा आदि आरंभ पर कई शुभ समारोहों का आयोजन करते हैं। ऐसे अवसरों पर महिलाएं खास तौर से आयोजन करती हैं, जो सारे निरर्थक और तुच्छ हैं। दूसरी ओर धम्मा से जुड़े सभी अनुष्ठान अच्छा परिणाम देते हैं। उसके अंतर्गत आते हैं नौकर या दास के प्रति शिष्ट व्यवहार, बड़ों के प्रति श्रद्धा, दूसरे जीवों से व्यवहार करते समय स्वयं पर नियंत्रण, श्रमणों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, ये और इसी प्रकार के दूसरे गुण ही धम्मा के अनुष्ठान हैं। धम्मा के बारे में राज आज्ञा देवन प्रिय राजा प्रियदर्शी के कहने पर खुदवाई गई है। राजा प्रियदर्शी का आदेश है हर अवसर पर नगरवासी को, व्यक्ति को दूसरे संप्रदायों का आदर करना चाहिए। ऐसा करके वो अपने संप्रदाय का प्रभाव बढ़ाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसके विपरीत करेगा तो वो दूसरे संप्रदायों को नुकसान पहुंचाएगा और अपने संप्रदाय का असर भी कम करेगा। इसीलिए सामंजस्य की प्रशंसा की जाती है, ताकि लोग एक दूसरे के सिद्धांतों को बेहतर समझ पाए। फतेहपुर सीकरी में अकबर बिना ताज और तख्त की परवाह किए धर्म विद्वानों से बहस मुबाहिसे में जुटा है। नई मालूमात की जुस्तजू में बेसबर मसले ए हयात के बंधन से निजात पाने की राह खोज रहा है। एहसास है कि मुख्तलिफ मजहबों के रूहानी रास्ते जुदा हैं, रस्म रिवाज अलग हैं। हिंदू, मुसलमान, पारसी, यहूदी और ईसाई सबकी मुख्तलिफ तालीमें हैं, लेकिन हर एक मजहब पर ईमान रखने वाला सोचता यह है कि उसके मजहब की रवायतें औरों से बेहतर हैं। इस ख्याल से वो दूसरों को भी अपने अकीदे पर लाना चाहता है। अगर कोई इनकार कर दे तो उसे हकारत से देखा जाता है और वो दुश्मन करार दिया जाता है। इन्हीं सब वजहों से हमारे दिल में तरह तरह के शको शुबा उभरने लगे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मुकर्रर दिनों पर तमाम फिरकों और मजहबों की दीनी किताबें यहां लाई जाएं और अलग अलग मजाहिब के आलिमों में बहस मुबाहिसे हों, ताकि हम उन्हें सुन सकें।
हिंदुस्तान एक बहुरंगी देश है, ये तो सब जानते हैं। एक जाहिर सी बात है जो हर एक देख सकता है। फर्क ऊपरी ठाट बाट और रहन सहन में भी दिखाई देते हैं, आदत और सोचने के ढंग में भी। मजहब बदलने से भी तब्दीलियां आई हैं, पर जो तर्ज जिंदगी किसी खास इलाके की पहचान मानी जाती है, उसमें फिर भी इतनी तब्दीलियां नहीं आईं। सभ्यता की शुरुआत से हिंदुस्तान के मन में एकता का एहसास जरूर रहा है, लेकिन ये एकता ऊपर से लादी गई कोई चीज नहीं, जहां सब एक तरह सोचें, एक सा रहन सहन अपनाएं। वो किसी और किस्म की एकता रही है, जहां विभिन्न सिद्धांतों को एक सा आदर सम्मान मिलता रहा। प्राचीन या मध्यकालीन युगों में एक आधुनिक राष्ट्र का ख्याल था ही नहीं, और सामंती, सांस्कृतिक या जातिबद्ध बंधन ज्यादा मतलब रखते थे। फिर भी मुझे लगता है कि तारीख के किसी भी दौर में एक हिंदुस्तानी भारत के किसी भी हिस्से में जाकर एक अपनापन जरूर महसूस करता होगा, जबकि विदेश में वो अपने आप को अजनबी समझता होगा। इस तरह हिंदुस्तान के लंबे इतिहास के मंजर मेरे सामने से गुजरने लगे, हार जीत उतार चढ़ाव लिए हुए। कितनी अनोखी है यह परंपरा, जो तारीख के 5000 साल से गुजरकर चली आ रही है। हमलों और उथल पुथल के बावजूद ये परंपरा कायम रही, और उसने आवाम में फैलकर उन्हें प्रभावित किया। और फिर इतिहास का कारवां दुख भरे वर्तमान पर आकर रुक गया। कहीं दूर से नारों का शोर एक गरज की तरह मुझ तक पहुंचा, शुरू में पहचान नहीं पाया, फिर एक जानी पहचानी सी पुकार लगी जो मेरे दिल से जवाब मांग रही थी। जेल के बाहर न जाने कौन हमारे इनकलाबी नारे दोहरा रहा था, शहर के मर्द औरतें या गांव से आए किसान। जो भी थे उन्हें सुनकर हम सब खुश हो गए, और उनकी उस सलामी का दिल ही दिल जवाब भी दिया। सदाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान। जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर।
जिसके बल पर तेजो मैं है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर,